हेलो दोस्तों, आईटीसी का डिविडेंड आ रहा है 2024 में, उसको हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में कंपनी को समझेंगे, उनके अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स को जानेंगे, कुछ जगह में प्रॉब्लम्स भी चल रही है उसको भी हम जानने वाले हैं और वैल्यूएशन को भी समझेंगे दोस्तों। तो शुरुआत डिविडेंड से करते हैं। नोट करके रखिए, January 29 जिस दिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो क्वार्टर थ्री है उसका रिजल्ट आने वाला है और जो पहला इंटरिम डिविडेंड है इस फाइनेंशियल ईयर का वो भी इस दिन घोषित होने वाला है। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, जितनी भी डिविडेंड डिटेल्स एनालिसिस है हमारे चैनल में आपको मिलेगी दोस्तों। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। साल में आईटीसी की तरफ से दो डिविडेंड आ रहे हैं और अभी जो क्वार्टर थ्री है कोई सरप्राइज नहीं था यहां पर, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आईटीसी की तरफ से यही समय में डिविडेंड आ रहा है। जैसे आप लास्ट ईयर देखिए February 15 एक्स डिविडेंड डेट थी, फिर 2022 में देखिए February 14 एक्स डिविडेंड डेट थी, तो कितना डिविडेंड था 2022 में 5 रुपीज 25 पैसा और लास्ट ईयर कितना था 6 रुपीज का डिविडेंड था। ठीक है, अब देखेंगे अभी जो हमको January 29 को पता चलेगा कि अभी कितना डिविडेंड आ रहा है, जो हम आपको बता देंगे। दूसरी चीज, फाइनल रिजल्ट जब आते हैं अप्रैल मई के समय में तो दूसरा डिविडेंड भी आ रहा है। तो अगर आप टोटल पूरे साल के डिविडेंड को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 1150 2022 में था और लास्ट ईयर 15.5 ₹15.50 का डिविडेंड था। अब इस साल कैसा डिविडेंड रहेगा तो कुछ डेटा हमारे पास है। एक चीज हमने आईटीसी में देखा है कि वो जितना भी कमाते हैं ऑलमोस्ट उतना ही वो डिविडेंड पे कर रहे हैं। ये देखिए, ये है March 2023 लास्ट ईयर। ठीक है, ये आप देखिए, ये 100% आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये 100% क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब कंपनी ने सोच लीजिए 100 रुपीज कमाया, पूरा उसने एस डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया। 2022 में 93%, 2021 में 101%। तो डिविडेंड पे आउट जो है एस पॉलिसी उनका 85 से 100% तक का है और 100% हम देख ही रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों के पास 6 महीनों का डेटा है, January 29 में टोटल 9 महीनों का डेटा आ जाएगा। क्या 6 महीने में प्रॉफिट बढ़ा है? तो अप्रैल से सितंबर 2022 6.99 का ईपीएस था, मतलब एक शेयर आपके पास है तो 6 महीने में इतना उन्होंने प्रॉफिट किया। और अभी 2023 मतलब अप्रैल से सितंबर 2023 7.9 है, मतलब ईपीएस या जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है 12.8% हमको देखने को मिल रहा है, जो कि ये स्ट्रॉन्गली बता रहा है कि डिविडेंड जो है इंक्रीज हो सकता है। मैं ये हो सकता है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहली चीज है डिविडेंड फिक्स डिपॉजिट की तरह नहीं होता है जहां पर हम बिल्कुल कंफर्म बोल सके कि ओके आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं बिजनेस के ऊपर बहुत सारी चीजें, और ये तो मैं 6 महीने का डेटा ले रहा हूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डेटा। ठीक है, अगर कुछ शॉकिंगली कुछ खराब हो गया तो डिविडेंड घट भी सकता है, लेकिन अभी के डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि डिविडेंड बढ़ना चाहिए अनलेस क्वार्टर थ्री में कुछ मेजर शॉक ना आ गया हो, वो एक तरीके से डिस्क्लेमर आप मान सकते हैं। अब शेयर प्राइस देखिए कितना है, अभी 468 के आसपास होगा। ओके, तो 468 में अगर आप 15.5 अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड कितना हो रहा है, 3.3% का हो रहा है। ठीक है, लेकिन आईटीसी में अगर फॉर एग्जांपल जस्ट लर्निंग के लिए आपकी बाइंग 200 की है, क्योंकि बहुत ट्रोल किया जाता था आईटीसी को पहले, 200 की है तो आपकी डिविडेंड यील्ड 7.75% भी हो सकती है। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपकी बाइंग प्राइस 250 है तो फिर 6.2% भी यील्ड हो सकती है। तो आपकी बाइंग प्राइस पर यील्ड बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों आईटीसी का बिजनेस एनालिसिस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। 5 की वर्टिकल्स हैं, पहला है सिगरेट्स, दूसरा है एफएमसीजी अदर्स जहां पर विवेल या फिर सनफीस्ट जैसे ब्रांड आ गए, होटल, एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड। और इनमें से ये जो दो बिजनेस है थोड़ा सा तकलीफ में चल रहा है। पहला बिजनेस एग्री वाला, यहां पर आप देखेंगे जो रेवेन्यू, जब क्वार्टर टू के जब रिजल्ट आए थे तो रेवेन्यू एक्चुअली में थोड़ा सा गिरा था, यस, लेकिन जो एबिट है या जो प्रॉफिट है थोड़ा सा यहां पर बढ़ा भी था। तो ये बिजनेस थोड़े से हम कह सकते हैं चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है। एक्चुअली में यहां क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक बैन लगा दिया कि जो भी नॉन जो बासमती राइस है उसका एक्सपोर्ट नहीं होगा, और जो पारबॉइल्ड जो राइस होते हैं उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो उससे जो राइस का जो बिजनेस है आईटीसी का इंपैक्ट हो गया। दूसरा बिजनेस जो इंपैक्ट हुआ है वो है पेपर बोर्ड का बिजनेस, उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव लर्निंग ग्रुप है जहां पर बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस पर हम बात करते हैं। 3900 तक की कम्युनिटी है ये, और साथ में मैंने लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज भी यहां पर शेयर करना शुरू कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगी दोस्तों। पेपर बोर्ड का बिजनेस, इसको बड़ा इंपैक्ट हुआ है। देखिए रेवेन्यू 9.5% गिरा है, और जो एबिट है या आप मान सकते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, लगभग जो प्रॉफिट है आधा हो गया है। मतलब इसका एक तरीके से सामान कम बिका भी है और दूसरी चीज मार्जिन भी इसके कम हुए हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, देखिए
सबसे पहला कि जो पेपर बोर्ड का जो बिजनेस है, जो रॉ मटेरियल्स है, यहां पर चाइना में अगर आप देखेंगे डिमांड बहुत कम होगी। ओके, ये चाइना की बात हम कर रहे हैं, अब आईटीसी की बात नहीं। तो चाइना ने क्या किया, अपने जो प्रोडक्ट्स थे रॉ मटेरियल, ये जो पेपर बोर्ड पेपर पैकेजिंग रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है, उनको ग्लोबल मार्केट में डंप करना शुरू कर दिया कि भाई यहां तो बिक नहीं रहा है हमारे देश में, ग्लोबल मार्केट में चलिए डंप कर देते हैं। जब डंपिंग शुरू किया तो रॉ मटेरियल के जो प्राइस हैं, जैसे पल्प हुआ, इसके प्राइस बहुत ज्यादा गिरने लग गए। अब गिरने लग गए तो क्या हुआ, जो आईटीसी के जो भी रॉ मटेरियल का जो उनको प्राइस मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला, तो मार्जिन जो है उनके इंपैक्ट हो गए। दूसरी चीज, चाइना में तो डिमांड ड्रॉप हुई है, साथ साथ में डोमेस्टिक यहां पर भी डिमांड में थोड़ा सा गिरावट आ गई है। तो इसके कारण से टोटली आप सोचिए कि डिमांड भी एक तो नहीं है प्रोडक्ट की, और जो बिक रहा है उसमें भी उनको मार्जिन नहीं मिल रहा है, और प्रॉफिट यहां पर इंपैक्ट हो गया। इसलिए क्वार्टर थ्री इस बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन कंपनी ने यह भी कहा है कि ग्रीन शूट्स हैं, अब देखते हैं ग्रीन शूट्स कितना क्वार्टर थ्री में हमको दिखता है या नहीं दिखता है, जनवरी 29 को हमको पता चलेगा। अगला बिजनेस FMCG अदर्स, ये कौन सा बिजनेस है, जो ब्रांड्स हैं, तो हो सकता है आप हम यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, आशीर्वाद है या फिर सनफीस्ट, इंगो, सेवलॉन, सनराइज, क्लासमेट, मंगलदीप, ये सब कुछ ब्रांड्स हैं जो FMCG अदर्स में आते हैं। ये बिजनेस थोड़ा स्टेबल चल रहा है और धीरे धीरे करके FY17 में देखिए 2.5% का मार्जिन था, इसका मार्जिन क्वार्टर टू में 11% हो गया, तो मार्जिन यहां पर इंक्रीज हो रहा है और मार्जिन बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ये बिजनेस प्रॉफिट में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है दोस्तों। तो हमने तीन बिजनेस यहां पर डिस्कस किए, लेकिन पैसा कहां है, पैसा से मेरा मतलब है कौन सा इन पांच बिजनेस में से कमा के दे रहा है आईटीसी को, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। सबसे पहले सिगरेट बिजनेस, लगभग 3/4 मतलब 73-75% का जो भी प्रॉफिट में योगदान है सिगरेट बिजनेस का है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया पेपर बोर्ड में इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है ना, हमने देखा ना प्रॉफिट लगभग आधा हो गया है, लेकिन टोटल बुक में वो 4.9% है, तो इसीलिए जो शॉक है वो एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। एग्री बिजनेस भी देखिए 5.5% का है, तो इसमें भी क्या आप मान सकते हैं कि जो शॉक है ये एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों बिजनेस मिला के कुछ 10-11% का ही योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर स्टेबल भी रहा तो उतना फर्क शायद आईटीसी को नहीं पड़े, लेकिन ये बिजनेस जो है सिगरेट वाला, इसमें कुछ भी हो जाए, समझ लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी टैक्स का न्यूज आ जाता है या कुछ भी नेगेटिव न्यूज आ जाता है, तो फिर आईटीसी को बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट वहां से आ रहा है। होटल अच्छा कर रहा है, क्योंकि देखिए आप 50% ग्रोथ है, लेकिन होटल अभी भी 2% ही प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए में कितना कौन कमा के दे रहा है, 2 रुपया कमा के दे रहा है, और FMCG अदर्स कुछ 6.77% के आसपास कमा के दे रहा है। तो ये दोनों बिजनेस इंपॉर्टेंट है, सिगरेट वाला और FMCG अदर्स, बट यस एग्री बिजनेस पेपर बोर्ड भी अच्छा करे तो क्या होता है कि आपको सपोर्ट मिल जाता है ना। सोच लीजिए किसी एक टीम में 5 प्लेयर है, एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाकी 4 प्लेयर काम नहीं करे, चारों को अच्छा करना चाहिए ना। तो अब देखते हैं कि ग्रीन शूट जो है हमको यहां पर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। लास्ट में क्या है वैल्यूएशन, 29 का पी रेशियो मिला है, मतलब कंपनी 1 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है, तो मार्केट उनको 29 टाइम्स वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। 10 साल का 28 का वैल्यूएशन था, और अच्छी बात यहां पर क्या रही है कि उनको 2018-19 में वो डी रेट हुआ था, और तब ESG कंसर्न, सिगरेट रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न थे, मजाक भी बनाया जाता था 17-18-19-20 के आसपास ही आप देखिए पी चल रहा था, लेकिन अभी आप पी देखेंगे थोड़ा हिस्टोरिकल लेवल के आसपास ही है, और कभी कभी 30-35 तक भी पी गया हुआ है, लेकिन अपना जो भी फेयर पी वैल्यू उनको मिला हुआ है उसी हिसाब से यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, और आप ऐसा मान सकते हैं। ये देखिए उनका परफॉर्मेंस, ये देखिए अगर आप स्टॉक परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो देखिए 10 साल सेल्स ग्रोथ कितना है, 8% है, 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 10% है, ठीक है, और स्टॉक परफॉर्मेंस भी कुछ उसके आसपास ही है। और आईटीसी ऐसा कोई फास्ट ग्रोइंग कंपनी नहीं है, फास्ट ग्रोइंग क्या होता है जैसे AI हो गया, ग्रीन एनर्जी, ये सब कुछ थीम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी थीम है, तो ये एक स्टेबल ग्रोइंग कंपनी है, और उस स्टेबल ग्रोइंग कंपनी के हिसाब से आप देखिए रिटर्न भी कुछ वैसा ही मिला है, 5 ईयर का भी सेल्स ग्रोथ 10%, प्रॉफिट 12% और प्राइस भी कुछ 11%, तो प्रॉफिट के हिसाब से वैसा रिटर्न लॉन्ग टर्म में आईटीसी को मिला है। कुछ 1 ईयर 3 ईयर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का कुछ ऐसा ट्रेंड हमको देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस बिजनेस से स्टेबल ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, स्टेबल बिजनेस है, डेट फ्री कंपनी है, जब आईटीसी की हम बात कर रहे हैं, यस यहां पर रिस्क भी है, ESG रिलेटेड रिस्क, सिगरेट पर कुछ नया कुछ आ जाता है तो वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, कंपटीशन बढ़ जाए या फिर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाए, वो सब कुछ रिस्क है, और इक्विटी में हर कंपनी में से अलग अलग रिस्क होते ही हैं। बाकी डिविडेंड का उनका स्ट्रांग है कि कंपनी जितना प्रॉफिट कर रही है डिविडेंड अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर कर रही है। अब क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में क्या देखना है, एग्री और पेपर बोर्ड का बिजनेस, इसको हमको देखना है क्या यहां पर रिवाइवल हो रहा है या फिर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपके पास प्योर लर्निंग कॉन्टेंट मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।